राइट तो स्टार्ट करते हैं सीधा न्यूज के साथ। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे एल्विश यादव का एक पंगा हो गया था एक दूसरे क्रिएटर के साथ जिनका नाम था छोटू पांडे, क्योंकि यहाँ पे छोटू पांडे ने कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा दी थी एल्विश यादव के अगेंस्ट, एंड यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज भी करा था एल्विश यादव को बिग बॉस के टाइम पे। नाउ कल यहाँ पे एल्विश यादव एंड छोटू पांडे साथ में मिलते हैं जहाँ पे वो इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए कुछ ये बोलते हैं। मैंने एक स्टोरी डाल दिया था। बुरा बताओ, क्या स्टोरी डाला? नहीं, उसमें मैंने अच्छा चीज डाला था बट वो थोड़ा सा बुरा हो गया। उसमें मैंने डाला था अच्छे वे में कहने का मतलब कि सिस्टम हैंग हो गया, बट वो कुछ पब्लिक ने उसको उल्टा ले लिया। अब जैसे मैं बोलते हम लोग बोलते ना भी एल्विस आर्मी को बता दो आप, बता दो कोई दिक्कत नहीं। एल्विस आर्मी आई लव यू, और एल्विस भाई हमारे साथ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो यहाँ पे एक इंडियन यूट्यूबर है जिनका नाम है कार्ल रॉक। सो रिसेंटली ये पाकिस्तान में गए थे, एंड जब ये पाकिस्तान में गए थे तो भाई इनको फोर्स करा जाता है यहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन्होंने अपनी ये चीज रिसेंटली ब्लॉग में भी डाली थी, एंड इसके बाद वो कमेंट में भी ये बताते हैं कि पहले एक बच्चा इनके पास यहाँ पे डोनेशन मांगने आता है, एंड ये डोनेशन कहाँ पे जा रही है इस चीज को देखने के लिए वो यहाँ पे रिलीजियस स्कूल में चले जाते हैं, एंड उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक बंदा आके इनको बोलता है कि भाई आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम के अंदर। तो भाई ये सबको एडवाइस देते हैं कि भाई अगर आप पाकिस्तान जा रहे हो तो भाई ऐसे एरिया को अवॉइड करो, और अगर तुम्हें कोई बोलता है कि भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ तो उसको बोल दो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा और वहां से चले जाओ, या फिर तुम उनको झूठ में बोल दो कि भाई मैं मुस्लिम हूं ताकि वो तुमको ऐसे परेशान ना करे। बाकी अगर आपको ये ब्लॉग देखना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले टैग बर्नर के बारे में। तो टैग बर्नर ने यहाँ पे काफी बेकार न्यूज अनाउंस करी। तो आपको पता है कि टैग बर्नर का यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, एंड इसके बारे में वो काफी टाइम से वेट करवा रहे हैं सबको। इसी के बारे में वो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते जहाँ पे वो ये बोलते कि भाई हमें पता है कि हमने प्रॉमिस करा था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, बट भाई अब ऐसा नहीं होने वाला। एंड इसका रीजन ये है कि भाई इनको लगा था कि कुछ चीजें बड़ी जल्दी फिक्स हो जाएंगी बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, और इनकी वॉच के अंदर अभी टेस्टिंग वगैरह चल रही है जिसके अंदर और भी ज्यादा टाइम लगेगा, एंड इसके साथ साथ वो कुछ चीजें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं घड़ी के अंदर, एंड वो ये नहीं चाहते कि भाई कोई बेकार सा प्रोडक्ट वो जल्दबाजी में लॉन्च कर दे जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से कम हो। तो भाई इस चीज में और भी टाइम लगेगा, एंड ये प्रोडक्ट कब आएगा उसकी अभी तक कोई फिक्स डेट अनाउंस नहीं करी है इन्होंने। अब हम बात करने वाले हैं एल्गोरो के बारे में। तो एल्गोरो ने यहाँ पे रिवील कर दिया कि रिसेंटली इन्होंने जो वीडियो अपलोड करी थी उससे इन्होंने कितने पैसे कमाए। सो बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डालते हैं जहाँ पे वो पहले ये बोलते हैं कि भाई इस वीडियो से इनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है पैसों के मामले में, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को बनाने में काफी पैसे लगाए थे, एंड इसलिए कभी कभी इनको लगता है कि भाई स्पॉन्सर होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद वो ये दिखाते कि इस वीडियो से उन्होंने 1.2K कमाए हैं, मतलब 1000 रुपए के आसपास। अब हम बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। तो भाई पुलिस ने यहाँ पे रजत दलाल को छोड़ दिया। सो बेसिकली आज अलग अलग न्यूज आर्टिकल ने इस चीज के बारे में कवर करा था, जैसे कि इंडिया टुडे ने ये आर्टिकल डाला था जहाँ पे वो पहले ये बताते कि वो जो वीडियो है जिसके अंदर रजत दलाल यहाँ पे एक बंदे को कार में टक्कर मार रहे हैं वो वीडियो जो है वो 25 दिसंबर की है। तो यहाँ पे जो रजत दलाल थे वो एक टेस्ट ड्राइव ले रहे थे जो कि उन्होंने गाड़ी यहाँ पे वॉक्स वैगन के शोरूम से ली थी, और यहाँ पे जो लड़की उनके साथ में बैठी हुई थी वो बेसिकली उनके साथ इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे रजत दलाल टेस्ट ड्राइव ले रहे थे, एंड यहाँ पे वो शोरूम में काम करती थी। एंड इस केस की थोड़ी और डिटेल यहाँ पे इस न्यूज पेपर से पता चली जहाँ पे ये पता चला कि रजत दलाल अपने लॉयर लेके यहाँ पे पुलिस स्टेशन गए थे जहाँ पे उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, एंड बाद में उनको रिलीज भी कर दिया गया। एंड ये भी पता चला कि यहाँ पे जो वीडियो बना रहे थे वो कार्तिक थे, एंड कार्तिक वो है जिन्होंने ये वीडियो लीक करी थी। तो अब हो सकता है कि पुलिस यहाँ पे कार्तिक से भी क्वेश्चंस पूछे। और ये भी पता चला कि भाई आज से पहले यहाँ पे रजत दलाल के ऊपर 2 केस ऑलरेडी हो चुके हैं गुजरात के अंदर, और भाई रजत दलाल को यहाँ पे धमकी मिल गई। सो अगर आपको सीन नहीं पता तो यहाँ पे एक भाई थे जिनका नाम था निपुण प्रधान, उनके आज से 5-6 महीने पहले यहाँ पे रजत दलाल के साथ लड़ाई हुई थी, एंड इस लड़ाई के अंदर इन्होंने रजत दलाल से सॉरी बुलवाया था। तो भाई इन्होंने भी रजत दलाल की इस वीडियो को रिएक्ट करा जहाँ पे वो एक बच्चे को मार रहे होते हैं। तो वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर आप लोग सुन सकते हैं। भाई रजत दलाल तेरी वीडियो 2-4 भाई भेज रहे मो है, एक बालक मार रहा हो तू बैठा के, तू बहन जा दिन मेरा टगो ना तेरी बहन तेरी माँ के बहुत, तू ध्यान रखिए चीज है मो मत टक जी वैसे तू कह देना अब का तो सुधार दो तेरे हाथ पांव पकड़े तो मन ने तोड़ दूंगा अब का, यह चीज ध्यान रखिए तरीका ते ना। अरे बहन साथ बात मत दे करो, बहुत बालक अन्न मार रहो कभी कई मोटरसाइकिल पे चलते न मार रहो यो बहन आगे तुम्हारी समझ में ना, साढ़े का इन पकड़ के चोट दो ना तम पे नो चटाई या कि वीडियो वायरल अन्न और करते रहो तो मैं बहुत इतनी मार लगाओ मैं 6 पुस्तक अंत तक याद रहेंगे आप ठीक है ना भाई, यार साथ मत दे कई बहन भी। एंड इसके बाद कार्तिक भी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये बोलते हैं कि भाई जब इस बंदे को कोई अपने टक्कर का मिलता है ना तो ये हाथ जोड़ने लगता है, बट बच्चों के ऊपर ये पूरी बदमाशी दिखाता है। एंड फिर कार्तिक कुछ ये बोलते हैं, तो भाई अगर लास्ट स्टोरी देखी होगी पूरी रील खोल के वीडियो देखी होगी तो पता चला होगा कि भाई को
बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई गई हैं उसमें। तो यही है भाई, यही होता है जब तुम ऐसे अपने से छोटे हो, अपने से कमज़ोरों को मारते पीटते हो, गाली गलौज करते हो, बट जब कोई टक्कर का मिलता है तो हाथ पैर जोड़ने लग जाते हो। तो तुमने पहले भी ये चीज़ देखी है और अभी फिर से देख लो तो इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि पता ही है क्या होगा उसके बाद। तो यही है भाई, इन जैसे लोगों की कमर तोड़ने का एक ही चीज़ है, जिस चीज़ से ये लोग को इतनी हिम्मत मिली है, जो कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स वगैरह अचानक से इतने बढ़ गए, तुम लोगों ने इतना ऊपर उड़ा दिया, तो तुम लोग ही ऐसे को नीचे गिरा भी सकते हो। तो ऐसे लोगों को अनफॉलो वगैरह करो और अच्छे लोगों को देखो जिनसे कुछ रियलिटी में सीखने को मिले। ये अपने एंटरटेनमेंट के चक्कर में ये दूसरों को सबे में चढ़ाओ कि ये लोगों के साथ गलत करें। अब हम बात करने वाले हर्ष बेनीवाल वर्सेस एजाज खान के बारे में। तो भाई रिसेंटली यहाँ पे हर्ष बेनीवाल ने धमकी दे दी एजाज खान को, तो वो कुछ ये बोलते हैं, कैसी कोई मेरे से लड़ने आएगा मुंबई में, ठीक है हाँ। तो मैं ऐसे करूंगा मुंबई में हाँ। तूने काम तो वही करे, मैं सुनना, मैं ऐसे करूंगा, कैसे मुझे माफ करना, घंटा पहले तो आएगा पीट नहीं दिखाऊंगा, फिर क्या करेगा, करने आएंगे तो मैंने सीखा है सेल्फ डिफेंस। हाँ, ये मुंबई की बता रहा है, मुंबई में अगर इसको पकड़ लिया तो क्या करेगा। हाँ, ये है दूसरा स्टेप। हाँ, ये करके हाँ और भाग जाऊंगा। कल साला मेरे साथ पता है क्या कह रहा अगर हम दोनों को पकड़ लिया और हम दोनों भाग गए और मैं कहीं छुप गया, नहीं ऐसे ऐसी बात नहीं भाई, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई है ही नहीं, किसी को रोस्ट वोस्ट नहीं कर रहे भाई, देख के जाइए, एक दिल है एक दिमाग है गोली एक है। तो बेसिकली आज वेस्ट बंगाल में एक नया रूल अप्लाई कर दिया गया है, जिसके अंदर ये है कि भाई अगर आप कोई रेप वगैरह करेगा तो भाई उसको यहाँ पे पेनल्टी मिलेगी, एंड काफी लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बाकी अगर आपको ये डिटेल में देखना तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना कि क्या क्या इसके अंदर रहेगा और आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब हम बात करने वाले हनी सिंह के बारे में। तो यार आज से काफी टाइम पहले ना एक ऐसा रूमर फैला था जहां पे ये बोला जा रहा था कि भाई शाहरुख खान ने यहाँ पे थप्पड़ मार दिया था हनी सिंह को। रिसेंटली यहाँ पे हनी सिंह का इंटरव्यू आया था जहाँ पे वो बोलते कि भाई ये सब झूठ है, इनको कभी भी थप्पड़ नहीं मारा था शाहरुख खान ने। अब हम बात करने वाले आयशो स्पीड के बारे में। तो भाई आयशो स्पीड ने यहाँ पे जेक पॉल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो सीन कुछ ऐसा कि अभी जो आयशो स्पीड की लाइव स्ट्रीम थी वहां पे जेक पॉल इनको यहाँ पे वीडियो कॉल करते हैं एंड इनको चैलेंज देते हैं रेस का, एंड ये चैलेंज जो है वो 20 लाख रुपए का है। तो ये चैलेंज देने के बाद यहाँ पे आयशो स्पीड ने एक्सेप्ट कर लिया इस चैलेंज को। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में अगर रेस होगी तो कौन जीत सकता है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब हम बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान को यहाँ पे काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है, आपको पता है कि फुकरा इंसान एलविश यादव यहाँ पे एक ACL नाम के मैच को खेलने वाले हैं। तो ACL के अंदर यहाँ पे काफी टीम है, तो उसमें से एक टीम जो है वो यहाँ पे फुकरा इंसान किया है। तो उन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट डाला था एंड वो पोस्ट क्या वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर कुछ लोग यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप फुकरा इंसान को विराट कोहली से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे एडमिन को बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे इस पोस्ट को टेक डाउन करो, क्योंकि यहाँ पे फुकरा इंसान और विराट कोहली का यहाँ पे कोई भी कंपेरिजन नहीं है। तो आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नाम बात करने वाले हैं यहाँ पे बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड के बारे में। तो आपको पता है कि दो तीन दिन पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी अभी IC 814, जिसके ऊपर लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि यहाँ पे जो टेररिस्ट के नाम थे वो यहाँ पे शंकर और भोला रखे गए थे शो के अंदर। तो भाई यहाँ पे इतना ज्यादा हंगामा मच चुका था, इवन यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स के हेड थे उनको यहाँ पे मिलने के लिए बुला लिया था गवर्नमेंट ने। और इसके बाद आज ये अनाउंसमेंट हुई है कि भाई यहाँ पे जो शो है उसके अंदर कुछ चीजें बदली गई है। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिखा दिया गया है, और इतना ही नहीं यहाँ पे जब ये चीजें अनाउंस कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट इनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। उसका एक छोटा सा पार्ट आप लोग देख सकते हैं। वो चाहे ISI का जो एक्टिव रोल था उसको सही ढंग से पोर्ट्रे न करने को लेकर ये तमाम आरोप लगे, इसको आप क्या इसको किस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन गिवन अ क्लियर डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस दैट वी वोंट बी एबल अनुभव सर व्हाट यू कौन आप लगा रहे हैं आरोप, वी कांट बी अनफॉर्चुनेटली अनुभव सर आज जब आईडी मिस को बुलाया गया था तो क्यों बुलाया गया था, दैट स्टेटमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड। ये जो सवाल आपने पूछा क्या सर वो आप फिर आरोप बताइए। चाहे आतंकवादियों के असली नाम को ना बताना, और अब जब आईएमबी मिनिस्ट्री में गए तब उसको वापस से आपको करेक्ट करना पड़ा सीरीज। बाकी अगर आपको एजाज खान वर्सेस कैरी मिनाटी वाली कॉन्ट्रोवर्सी एकदम स्टार्टिंग से देखनी है तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना।